बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे हो, दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं शुरू। तो रात मेरी इधर आना हुआ है, तो रात भी सफ़र में था। तकरीबन मैं 8:30 बजे घर पहुँचा हूँ। तो अचानक से छुट्टी लिया मैंने, क्यों कुछ काम था इधर हमें, जिसकी वजह से मुझे आना हुआ इधर। तो बस दो छुट्टियाँ हमारी, तो दो छुट्टियों के बाद हमारा वापस जाना होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं चारा लेने के लिए आया हूँ इधर अब्बा जी के साथ अपनी ज़मीनों में। तो गंदम के भी सूरत हाल देखने के लिए निकले थे, तो उसके बाद फिर फारूक होंगे, देखेंगे घर में और क्या करना है हमने। तो जो मेरा काम है, एक तो आज हो चुका है, तो एक कल का है जो हमें मुल्तान जाना है, तो वो भी इंशाल्लाह जाएंगे कल। तो अभी फ़िलहाल चारा देखते हैं कितना कटा है, क्यों वो लगे हुए हैं जो काटते हैं इधर, वो काट रहे हैं अभी अभी पूरा कटा नहीं है हमारा चारा है अपना जो बिजाई किया हुआ है। तो ये साथ वालों की गंदम है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये हमारी है गंदम, वो आगे तक पट्टे रखे गए हैं रेड़ी पे। तो रेड़ी हमने मोटरसाइकिल के साथ ही जोड़ा हुआ ऐसे, तभी इसको घर लेके चलेंगे। फिर उसके बाद जुमे की तैयारी भी करनी है, तो अभी जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो जुमे की तैयारी में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा तैयारी करने में, तो अभी जल्दी जल्दी से इसको लेके चलते हैं। तू अंडे खा ली, तेरी मुर्गियाँ अंडे देनी है। वो यार अंडे खा वैसे ही गर्म, मैदा गर्म हो जाता है। पूछता पे तो कल से व्लॉग शुरू किया हुआ है मैंने, तो कल बना ऐसे कुछ के जुमे के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए रज़ाई में लेटा हूँ, तो नींद इतनी और सर्दी की वजह से भी कुछ नींद ज़्यादा आ रही थी। तो आँख लगी है मेरी, तो मगरी के टाइम जाके कहीं आँख खुली है मेरी, तो काफ़ी जब उठा हूँ उस वक्त अफसोस हुआ कि मेरा व्लॉग सुबह से शुरू है, तो टाइम नहीं मिला मुझे बाहर निकलने का। तो अभी भी मैं इसको तकरीबन असर के वक्त से मैसेज कर रहा हूँ दोस्त को। मुझे क्या हुआ, आया नहीं मैसेज? मैसेज तेरा लेट आया, तो इसकी भैंसें खुल गई थी, तो ये उनके चक्करों में पड़ा हुआ था। दो मिठाई खानी है ना, मिठाई तो तू खुआएगा तो फिर आ, दो मुंडे हुए तेरे बगैर शादी तो ही। ते अपने मैसेज कीता तू आ भी क्या काका किन्ने हुए, तो हैं तू आ भी पूछा तूने, वीडियो तो नहीं बना रहे। तो अभी हम बाहर का थोड़ा सा माहौल देखने के लिए निकले हैं, क्यों जिस दिन से आया हूँ तो इस टाइम के लिए हम बाहर कम ही निकले हैं। मैं अभी भी मुल्तान से आया हूँ, असर के वक्त पहुँचा हूँ घर वापस, तो कुछ काम था मुल्तान का जिसकी वजह से मैं उखाड़े से इधर आया हूँ। तो अभी बस थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वापसी मगरिब से पहले पहले करेंगे हम। उधर क्या करना है, उखाड़े वापसी करनी है? नहीं नहीं, कर जाना, कौड़े कल जावांगे। तो वीडियो भी आज ही इसको अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, तो अभी जाके इसकी एडिटिंग वगैरह भी आज ही करेंगे। तो अभी इसको मगरी से पहले पहले कोशिश करेंगे कि अपलोड करेंगे इसको। नाम तो नहीं याद होगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमें वहाँ बातें करते हुए पता ही नहीं चला कि अजानें शुरू हो चुकी थी, तो सफ़र थोड़ा सा कुछ ज़्यादा था जिसकी वजह से हमें रास्ते में अजानें हो चुकी थी, तो फिर नमाज का टाइम भी निकल चुका था, जमात हो चुकी थी, सिर्फ नमाज हमने घर में पढ़ी है। अभी आया था मैंने अपने पास के, आज कुछ ठंड ज़्यादा है तो ये कुछ धमाके करने लग गया, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, थोड़ी सी देर के बाद चलाएँगे इसको। तो कमरे में कुछ गर्माइश हो चुकी है, तो सर्दी में कुछ कमी हो चुकी है। तो बस वीडियो को हम अभी इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भी लोग हमारा कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।